है उन नियमों के मुताबिक हर अस्पताल में एक ड्यूटी अफसर होता है जो अस्पताल के प्रिंसिपल को ऑक्सीजन की सप्लाई की जानकारी देता है। आखिर वो ड्यूटी अफसर कहां है? सरकार कह रही है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि वो रिपोर्ट कहां है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की बात कही गई थी। जो इंडिया न्यूज के सवाल है वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी जो हुई उसके पीछे आखिरकार वो रिपोर्ट कहां है जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई के रुकने की बात नहीं कही गई है। 5 तारीख को फंड कॉलेज को भेजा गया, इसका सबूत क्या है? ये भी इंडिया न्यूज का एक बड़ा सवाल है। क्या 9 तारीख को कॉलेज प्रशासन ने कंपनी को पैसा दे दिया था? ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही कंपनी को पैसा किस तारीख को दिया गया, इसका सबूत सामने क्यों नहीं रखा जाता अगर ये बात सच है तो? अगर 9 तारीख को पैसा मिल गया होता तो 10 तारीख को सप्लाई क्यों रुकती? अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की जानकारी देने वाला ड्यूटी अफसर कहां है और साथ ही उस ड्यूटी अफसर की वो रिपोर्ट कहां है जो हर दिन वो कॉलेज प्रबंधन को, अस्पताल प्रबंधन को देता है? ये एक बड़ा सवाल है और हर दिन की अगर रिपोर्ट सामने आ जाती है तो स्थिति साफ तौर पर बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। 5 तारीख को फंड दिया गया तो इसका सबूत क्या है? वो सब दस्तावेज आखिरकार सामने क्यों नहीं रखे जाते? इन्हीं सब सवालों के साथ हमारी सहयोगी निहारिका हमारे साथ न्यूजरूम से जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख करेंगे। निहारिका, जो भी अस्पताल है या फिर मेडिकल कॉलेज है जहां पर इस तरीके की व्यवस्थाएं होती है और खासतौर पर गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल की अगर हम बात करें, हर साल वहां पर बड़ी संख्या में इंसेफ्लाइटिस के मरीज होते हैं, बच्चे भर्ती होते हैं। अब सवाल बड़ा सबसे यह है कि ड्यूटी अफसर कहां है जो अपनी डेली रिपोर्ट देता है? कहा यह जा रहा है कि 5 तारीख को फंड आया था, उसकी रिपोर्ट कहां है? कॉलेज ये कह रहा है कि हमने 7 तारीख को दिया है, वो सारी रिपोर्ट आखिरकार बातों या फिर हवा हवा में क्यों है, उसे सामने क्यों नहीं रखा जाता? बिल्कुल, इन्हीं सवालों के घेरे में बीआरडी मेडिकल कॉलेज है। राकेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर साल जापानी बुखार इंसेफ्लाइटिस को लेकर बच्चों की इतनी मौत होती है जहां पर बिहार के लोग भी वहां का रुख करते हैं उम्मीद के साथ। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से हर बजट में कोई ना कोई अलॉटमेंट होता है, पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है। बावजूद इसके इतना बड़ा यहां पर कांड हो गया, वो ड्यूटी ऑफिसर पर ज्यादा सवाल है। जो प्रिंसिपल को अपनी रिपोर्ट देता है वो अभी गायब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा होने वाला है, वो ड्यूटी ऑफिसर की रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण। सरकार की तरफ से कहा गया कि फंड रिलीज कर दिए गए, तो भाई उसकी कॉपी का, उसकी रिपोर्ट का? ये ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब चाहिए, क्योंकि वो माता पिता, उनको हम समझ सकते हैं कि कैसे मन महसूस कर वो रह जाते हैं, हर साल मौत होती है। और ये कांड इसने आंखें खोल दी है बीआरडी मेडिकल कॉलेज को। ऐसे में जिस तरीके से राकेश आप बोल रहे थे इंडिया न्यूज के, वही सवाल है कि ऑक्सीजन सप्लाई की जानकारी देने वाला ड्यूटी ऑफिसर अभी तक सामने क्यों नहीं निकल कर रहा, उसे क्यों नहीं पकड़ा गया? वो प्रिंसिपल कहां है जो वो रिपोर्ट लेकर सामने आए कि भाई रिपोर्ट थी, ऑक्सीजन का अपडेट ये था? वो जो फंड रिलीज किए गए थे, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि फंड रिलीज किए गए, लेकिन उसकी अभी तक रिपोर्ट किसी को मिली नहीं है। वहां के लोकल अखबारों ने राकेश बहुत पहले समय से ही छाप दिया था कि यहां पर ये दिक्कत होने वाली, ऑक्सीजन के कारण सिलेंडर्स की कमी हो रही, लेकिन लोकल अखबारों के इनपुट्स को भी दरकिनार किया गया। आपके पास लौट कर आते हैं, जाहिर सी बात है तमाम एलर्ट्स बजे।